हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देख रहे हैं, गुलदावरी तो चली गई। मेरा गार्डन में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, मगर फिर भी गुलाब ने रौनक बना रखी है मेरे गार्डन में। देखिए कितने अच्छे से गुलाब खिल रहे हैं, खूब ढेर सारे फूल खिल रहे हैं, बड़े साइज़ के फूल खिल रहे हैं। देखिए कितना बिग साइज फूल है, ये दूर से दिखा रही हूँ तो इतना बड़ा लग रहा है। और काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है गुलाब में भी। तो आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू आपको देती हूँ। और ये मेरे यहाँ ये काफ़ी खिल रहे हैं, मैं तोड़ती भी जाती हूँ कुछ फूल जो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। देखिए डहलिया, इधर रोज़, ये दोनों बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इधर जरियेरा भी खिल रहा है, गुलाबी भी एकाध फूल खिलते जा रहे हैं। अभी मैंने ये हटाए नहीं है, धीरे धीरे करके मैं इन्हें खाली कर रही हूँ। आज मैंने एक प्लांटर खाली किया है, बड़ा वाला, इसमें लगा दिए छोटे में, ये मैं स्टेडी प्लेस में रखूँगी। और अब ये धीरे धीरे फूल काफ़ी खिलने लगे हैं। डहलिया में भी देखिए कितनी कलियाँ आई हुई हैं, ढेर सारी कलियाँ, भर के कलियाँ आई हुई हैं। जैसे ही रिपोर्टिंग किए तो उसमें खूब ढेर सारी कलियाँ आने लगी। देखिए उसमें भी कलियाँ आई हैं, इसमें भी कलियाँ आई हैं। शर्त यह है, रिपोर्टिंग के बाद इसे धूप में रखिए और इस तरह से आप पिंचिंग करते रहिएगा। इस तरह से जो भी सूखे फूल हों उन्हें आप हटाते रहिएगा। और ये वाली गुलदावरी सबसे लेट खिली है, सबसे लास्ट में ये गुलदावरी खिली है, मगर बहुत सुंदर लग रही है। मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं लास्ट ईयर लेके आई थी इसे, तो अभी ये कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। मगर जब ये सब फूल खिले तो तसल्ली हुई और काफ़ी अच्छा फूल खिल रहा है। स्पाइडर कह लो या स्पून कह लो इस टाइप की है। ये देखिए गुलाब, बहुत ढेर सारा गुलाब में कलियाँ ही कलियाँ हैं। इधर हिबिस्किस भी है, खिल रहे हैं, मगर अभी पुराने होने लगे हैं तो ये गिरने वाले हैं। और कुछ एफिड भी लगे हुए हैं, कल मैंने स्प्रे किया था मगर फिर भी कोई असर नहीं दिख रहा है। आज फिर करूँगी, लगातार 3-4 दिन मैं करूँगी। और ये डहलिया देखिए कितना बड़ा फूल खिला है डहलिया का, देख रहे हैं आप, ये पूरी मेरे पाम को ढक लिया है, तो बड़े बड़े फूल आएंगे। अभी मैंने इसके पत्ते नीचे नीचे के कट किए हैं, ये देखिए इस तरह से मैंने ये नीचे नीचे के पत्ते कट किए हैं। पूरा भरा हुआ था, ये स्पेस खाली किया है जिससे कि यहाँ पर मिट्टी को हवा लग जाए थोड़ी बहुत, वरना फंगस हो जाती, तो इसलिए मैंने सारे कट किए हैं अभी पत्ते इसके तो। और इधर हिबिस्किस भी खिल रहे हैं, काफ़ी खिल रहे हैं हिबिस्किस। और ये देखिए गुलाब कितना अच्छे से खिल रहा है, गुलाब पीला गुलाब, बहुत ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। इधर ये भी देखिए कितने बड़े बड़े रोज़ खिले हैं, ये देखिए कितना बड़ा फूल खिला हुआ है, देख रहे हैं आप ये। तो अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था, बारिश वारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, मगर अब धूप निकलेगी तो ये फिर से खिलेंगे। फरवरी तो वैसे भी गुलाबों के लिए होता ही होता है। और ये इनमें सभी एफिड लग चुके थे तो मैंने कल दवाई छिड़की है। ये देखिए मेरे टाइगर रोज़, कितने ढेर सारे रोज़ ही रोज़ खिल रहे हैं। और ये 2-3 दिनों से मैं ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ऊपर आओ ऊपर आके फिर भागते ही होता था कि बारिश हो गई जल्दी से निकलो। ये देखिए इधर कितनी कलियाँ आई हुई हैं और बहुत ढेर सारे फूल खिल रहे हैं और खिल भी चुके हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए कुछ पुराने हो गए हैं, तो इन्हें मैं आज आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ हटा ही दूँ वरना फंगस लग जाएगी। देखिए इस तरह से होने लगते हैं फूल, इसकी वजह से इसमें फंगस, देखिए आप फंगस लगने लगती है, तो आप इन्हें हटा दीजिएगा बिल्कुल, जैसे कि न्यू शूट निकलने के लिए एनर्जी उन प्लांट को मिल जाए, उन पत्तों को, उन टहनियों को मिल जाए जो खिलने वाली कलियां हैं या आगे बढ़ने वाली कलियों को जगह मिलेगी, तभी ये फूल खिलेंगे अच्छे से। ये देखिए न्यू ब्रांचें, न्यू कलियां खूब ढेर सारी आ रही हैं। और देखिए ये देखिए तो अब गुलाबी खूब अच्छे से अब फ्लावरिंग पे आएगा, क्योंकि फरवरी इसके इसका ही होता है पूरी तरह से। ये इस तरह के सूखे फूल को हटाना बहुत ज़रूरी होता है, ये पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है, पिंचिंग करते रहिएगा। ये मेरे यहाँ चूहे ने बिल्कुल नहीं छोड़े हैं प्लांट, चाहे ऊपर रखूँ चाहे नीचे रखूँ, ये सब कट कर दिया। एक तो मैंने पकड़ लिया, अभी एक और है वो पूरे में परेशान करता घूम रहा है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है उसने। अभी और भी है, पूरी फैमिली मुझे लग रहा है बना ली है उसने। तो ये गुलाब खिल रहा है, इधर मेरा जेट प्लांट है, इधर ये भी है, देख रहे हैं आप, ये अभी इन पर भी फ्लावरिंग अच्छे से आने लगी है। ये भी फूल खूब अच्छे से खिल रहा है, बड़े बड़े फूल खिले हैं, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये टाइगर ही कहना चाहिए। ये देखिए इसमें भी इस तरह के निशान बने हुए हैं, तो ये भी खूब अच्छे से खिल ही रहे हैं अभी। ये शेड वाला पिंकिश है, शेड बहुत प्यारा लग रहा है। ये दवाई छिड़कने का असर है, अभी मैंने दवाई छिड़की थी इस पर कल शाम को, तो उसका असर दिख रहा है, फूल खिलने लगे आज ही, वरना फूल खिलने बंद हो गए थे बिल्कुल भी। देखिए ये देखिए बिना इसके ऐसे अजीब से हो गए थे, दवाई नहीं डाली थी इसकी वजह से इसमें
फंगस की वजह से फंगस लग जाएगी इस तरह के फूलों को। ये कलियाँ बिल्कुल नहीं खिली हैं, आज खिली रह गई थी, आज कल दवाई डाली, आज फिर मैं डालूंगी तो देखते हैं खिलती नहीं खिलती हैं। और इधर ये कुछ कैक्टस वगैरह लगा रखे थे मैंने, ये मरांटा प्लांट है। और इधर कैक्टस वगैरह कुछ मैंने लगा रखे थे, ये मैंने पेंजी उगाए थे, तो कुछ येलो ये है तो ये मेरे पेंजी का ही एक पेंजी है मेरे पास में, ये पर्पल है, ये है, और ये डहली, ये गजानिया है, तो ये भी कलांचो में खिल रहे हैं, ये है देखिए, ये दोनों तरह के कलांचो खिल रहे हैं। ये गुलाउदी इधर रखी हुई तो ये भी खिल रही है हल्की हल्की, देखिए है ब्राउन वाली खिल रही है। इधर ये सकलेंट है मेरे, कुछ सकलेंट रखे हुए हैं इधर, ये देखिए। तो ये टमाटर का बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है, टमाटर आ भी रहे हैं, फूलों से भरा हुआ है, अडे नीम की हालत ख़राब हो गई है, पर हाँ फूल तो खिल ही रहे हैं। इधर ये सदाबहार है, इधर ये नस्टेशियम है, ये देखिए, इधर ये मॉर्निंग ग्लोरी है पिंक वाली, कल तो बहुत ढेर सारे फूल खिले थे ये सारे। और ये एक ये इधर भी है डहेलिया, इधर मेरे बालसम भी खिल रहे हैं, और कुछ नस्टेशियम इधर है, ये देखिए, ये है नस्टेशियम, काफ़ी खिल रहे हैं नस्टेशियम। इधर भी एक ये प्लांट है नस्टेशियम का, इधर ये देखिए, ये भी नस्टेशियम ही है। बिजली पता नहीं कब खिलेंगे फूल, देखते हैं कब तक खिलते हैं ये इनमें। ये कुछ मैंने रिपोर्ट किए हैं तो ये भी मुझे लगाने होंगे उधर, अब धूप निकलेगी तो फूल खिलेंगे, धूप नहीं निकलेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए इसमें येलो कलर का है, ये गुलाबी खिल रही है, इधर ये गेंदा खिल रहा है, ये सीड मैंने ग्रो कर दिए थे, सीड से ग्रो हुए हैं, इन्हें रिपोर्ट करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे, मैं शाम को करूँगी रिपोर्ट, इन्हें छोटी सी पॉली बैग में ही लगे हैं ये, तो काफ़ी फूल आ रहे हैं, इन्हें शाम को रिपोर्ट कर दूँगी मैं, बड़ी पॉली बैग में लगाऊँगी। ये चित्रक है, इधर इधर वाटर प्लांट की हालत तो बहुत ख़राब हो रही है, इन्हें रिपोर्टिंग वगैरह चाहिए होगी, फरवरी लास्ट फरवरी में करूँगी, अभी नहीं छेड़ूंगी। तो इधर ये जेट प्लांट है, इधर इसको भी मैंने प्रून कर दिया था, ये भी प्रूनिंग के लिए हो गई है, पर इसकी कटिंग भी मैं लगा लूँगी। ये यूफोरबिया है, ये कैक्टस है, ये कैक्टस है, इधर ये रेसमेक प्लांट वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इधर ये कैक्टस, ये सकलेंट है मेरे, ये लक्ष्मी कमल है, ये भी सकलेंट है, ये देखिए कितने अच्छे से चल रहा है, ये रेहियो है, ये ऑरेंज कलर की मैंने कटिंग लगाई थी, देखो चलती है कि नहीं चलती है। और ये कुछ ये प्लांट की मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए इस पर स्प्रे करने को हो गया है, कुछ ये लक्ष्मी कमल लगाए थे तो यहाँ से कुछ निकाल के ले गया चूहे उखाड़ के। ये सिलेंड्रिका है, ये कटिंग से ही लगाए थे मैंने, स्नैक प्लांट की एक वैरायटी है, तो करी पता ही कंडीशन थोड़ी ख़राब है, देखते हैं कब तक रहती है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहे हैं फूल, ये फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।